माँ आप दादी बनने वाली काहे को कह रहे आ गौरी तुम सच में गुड न्यूज देने वाली हो क्या? या घरी सगळे किती आनंदात आणि आनंदी व्हायचा हक्क बाबांना ही आहे ना? बिल्कुल आहे उन्हें हक। मम्मी त्यांना आता फोन करू? नहीं नहीं अभी नहीं। प्लीज प्लीज मला बोलू दे। गौरी जी उन्हें कल बताते ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है मुन्ना। इस बात से ना हम बहुत खुश हैं। वो कहा है पड़पोता आएगा तो हमें सीधे स्वर्ग में जाने के लिए सोने की सीढ़ी मिलेगी ना। लेकिन दादी अगर पड़पोती आएगी तो क्या मिलेगा तुमको? मुंह मीठा कराना है? मतलब कोई खुशखबरी है क्या अम्मा? दीदी वो जो कुछ भी है हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने खुद कहा है कि बाहर वालों को 3 महीने से पहले नहीं बताना। अरे उर्मिला बाहर वाली थोड़ी ना है, इस घर की बेटी है। अम्मा आप ही ने तो कहा था कि गौरी जी की शादी हो गई इसलिए आई बाबा उनके लिए पराए हो गए, तो इस तरीके से दीदी भी तो हमारे लिए बाहर वाली हो गई, पराई हो गई है ना दीदी? अम्मा अम्मा हम आगे। अरे उर्मिला अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। अरे हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे। हाँ हमारा भी बड़ा दिल कर रहा था आने का, इसीलिए हमने शिव भैया और गौरी भाभी को दुकान पर ही बुला लिया ताकि हम उनके साथ ही आ जाए, और फिर रास्ते में दुकान पर बाबूजी को भी साथ में ले आए। बहुत अच्छा किया, चलो अंदर चलो। हाँ माँ। अरे अम्मा ये लीजिए, हम आपके लिए दुकान से गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी लाए हैं, इसे चाय के साथ खाइएगा बहुत मजा आएगा। बेटा अभी नमकीन खाने का टाइम नहीं है। क्यों माँ? मीठा खाने का टाइम है। मुंह मीठा कराना है? मतलब कोई खुशखबरी है क्या अम्मा? दीदी वो जो कुछ भी है हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने खुद कहा है कि बाहर वालों को 3 महीने से पहले नहीं बताना। मुन्ना ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ अरे उर्मिला बाहर वाली थोड़ी ना है, इस घर की बेटी है। पर अम्मा दीदी की तो शादी हो गई तो वो पराई हो गई ना। मुन्ना अम्मा आप ही ने तो कहा था कि गौरी जी की शादी हो गई इसलिए आई बाबा उनके लिए पराए हो गए, और गौरी जी उनके लिए बाहर वाली हो गई, तो इस तरीके से दीदी भी तो हमारे लिए बाहर वाली हो गई, पराई हो गई है ना दीदी? अम्मा अम्मा ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने ये अपने और परायों के बीच की कैसी परिभाषा रखी है? आपने कैसे अजीब से नियम बनाए अपनी बहुओं के लिए जिसने जिसने आपकी अपनी ही बेटी को आपसे दूर कर दिया? नहीं उर्मिला बेटा वो बस अम्मा रहने दीजिए, अगर ऐसी ही बात है तो फिर तो भी ठीक है, हम चले जाते हैं। उर्मिला अरे समझने की कोशिश करो। अरे आप खड़े क्या हैं, समझाइए ना उसे। अब हम क्या समझाएं? आपने बनाया नियम, आप ही निपट गए इनसे। हम तो वैसे ही दुखी हैं आपके इन अजीब से नियमों से। बाबूजी, बाबू, अरे शिव, गौरी, आओ। सॉरी बाबूजी, हमें नहीं पता था प्राणायाम कर रहे होंगे। आप तो सुबह प्राणायाम करते थे ना, शाम को कब से शुरू कर दिया? जब से हमें पता चला है कि हम दादाजी बनने वाले हैं। अरे भाई क्या है कि जब हमारा पोता आएगा तो वो घर आंगन में खेलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम भी उसके पीछे भागेंगे। हैं? तो उस वक्त हम हाफ हैं ना, इसलिए हम फिट रहने के लिए दोनों टाइम हमने ये शुरू कर दिया है प्राणायाम। वैसे अब तुम लोग जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें प्राणायाम करना है।
जी बाबूजी, लेकिन बाबूजी सुनिए ना, आपको थैंक यू कहना था। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा थैंक्स, हम नाराज हैं तुमसे। क्यों क्यों बाबूजी, आप नाराज क्यों हो? मुझसे कोई गलती हुई क्या? हाँ, क्योंकि जो बात हमें तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो बात हमें सावन साहब से पता चल रही है, है? इसका मतलब यही है ना कि तुम हमें अपना बाबूजी नहीं समझती। अगर समझती तो ये बात तुम हमें पहले बताती, हमसे सलाह मशवरा करती। बाबूजी सॉरी, लीजिए दोनों कान पकड़ लिए, सॉरी बाबूजी, इस बार माफ कर दीजिए ना, अगली बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। अगली बार मैं अच्छी बेटी की तरह पहले आपसे हर बात शेयर करूंगी, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा अब थैंक यू कह दो। कह दो। थैंक यू बाबूजी। वेलकम। अब से अगर वो अम्मा और अम्मा के इस लाडले ने कुछ भी अगर तुमसे कहे, तुम्हें परेशान करे ना, तो सीधे आकर हमसे कहना, एक मिनट में सीधा कर देंगे। अरे बाबूजी, इसका क्या मतलब? क्या बाबूजी हैं? अरे हम तुम्हारे बाबूजी हैं, हैं? और बेटा हमको टेढ़ी उंगली से घी निकालना आता है, हैं? मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ होगी, बुरा लगेगा। सच में बुरा तो हमें लग चुका है। तुम्हें माफ करने के बजाय हम भगवान से यही कहेंगे कि आज जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, कल तुम भी उसी दुख से गुजरो। एक दिन तुमसे भी कोई तुम्हारा बेटा छीन कर ले जाए, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक माँ का दिल कैसे छलनी होता है। एक मिनट थांबा। हा डायलॉग तिकडन आलेला आहे ना, जरा विचारूया ना नेमकं काय झालं। रिलेटिव्ह फार अशा बाबतीत जागरूक असतात, कोण आधी सांगितलं। मी आज जरा बाहेर जाणार। बाहेर म्हणजे कुठ? बाहेर म्हणजे सातारला। सातारला कशाला? काम आहे माझ। कोण कोण जाणार आहे? मी आणि यास्मिन। मग यास्मिन बरोबर नाही जायचं का? तू नीलम काकीला घेऊन जाते। अरे कुठं दिसणार मी त्या आलं? आषाढी एकादशी आणि मी इथं अशी पडलेली, पण आता उद्या इथल्या देवळात मी मला जाता येणार नाही। तू इटलाचा दावा कर, तुझ्या बेटीला उद्या इटल येतो का नाही बघ। आता मी हा केक कापतोय, ओके विश करा नीट। हॅपी बर्थडे सायरस।